कोई भी नया काम सीखना हो तो शुरुआत में तो दिक्कत आती है। जुलाहा, दर्जी, कुम्हार एक दिन में काम थोड़े सीख जावे, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। क्यों री जमीला, एक दिन में रोटी बनाना सीख गई क्या तू? कहा, शुरू शुरू में तो तरह तरह के नक्शे बन जावे थे, एकदम गोल बनाने तो बहुत बाद में आई। हाँ, इसी तरह लिखना भी धीरे धीरे आएगा। हाथ साधने के कुछ तरीके देखो। ले तो अपनी स्लेटें। हाँ, अब बनाओ ऊपर से नीचे लाइन। ऊपर से नीचे क्यों, नीचे से ऊपर भी तो बन सके। अरे नहीं री, ऊपर से नीचे बना। देखो नीचे से ऊपर भी तो बन रही है। आम पेड़ से नीचे गिरेगा या फिर ऊपर आकाश की तरफ जाएगा? आम पेड़ से नीचे गिरेगा या ऊपर आकाश में चला जाएगा? नीचे ही गिरेगा, ऊपर कैसे जाएगा? ये तो ज्यादा मत इतरा, हाँ? ऐसे खींच ऊपर से नीचे को यूं। हाँ, अब शिरोरेखा खींचो ऊपर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, लाइन इधर से इधर नहीं, लाइन इधर से इधर जाएगी, समझे? नदी की धारा में उल्टे तैरोगे तो छाती फटेगी, और कागज में लाइन उल्टी खींचोगे तो कागज फटेगा। कागज मत फाड़ियो रे, लाला से नई कॉपी लाया हूँ। ये कह रहे हैं उल्टी खींची है। सही कह रहे हैं, सीधी खींच। क्यों मास्टर, उर्दू तो उल्टी तरफ लिखी जाती है, उर्दू लिखने में कागज फटता है क्या? उर्दू में हर्फ ऊपर से नीचे को बनते हैं और गोल गोल होते हैं, हिंदी की तरह लंबी और सीधी रेखा नहीं होती है उनके ऊपर। और फिर गोला चाहे इधर से बना लो चाहे उधर से। मास्टर जवाब नहीं है क्या? हाँ देखो, इधर आओ मैं बताता हूँ तुमको। उर्दू में भी लाइन ऊपर से नीचे ही आती है, मगर उनमें होती है गोलाई, इसलिए दिक्कत नहीं आती। अब हिंदी की लंबी लंबी शिरो रेखा उल्टी खींचो तो आफत आ जाए। अब बात समझ में आई? तेरी समझ में आई, शाबाश। एक दो तीन, चारों जनी जल्दी से आ जाओ। तो इधर चल रहे, तुम्हारी है टीम नंबर दो और उनकी है टीम नंबर एक, और अब हम खेल शुरू करते हैं। अच्छा देखो, मेरे हाथ में पर्चियां हैं और हर पर्ची पर एक एक शब्द लिखा हुआ है, और ये सारे अक्षर हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ गए? ठीक। अब ये पर्ची मैं इस गोला में डालूंगी एक एक करके, और दोनों टीम की एक एक खिलाड़ी दौड़ कर आएंगी, और जो पर्ची पढ़ लेगी वो उसे उठा लेगी और उसकी टीम को मिल जाएंगे नंबर दो। पर्ची उल्टी पड़ी तो? अरे उसको मैं फिर से दोबारा डाल दूंगी। ठीक है, तैयार सब? हाँ तैयार। सबसे पहले आएगी जमीला इधर से और रम्या उधर से। ठीक है। और ये डाली मैंने पर्ची ए। चारा। हाँ शाबाश, पढ़ तो मैंने भी लिया। हाँ रम्या, चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ तो अपनी जगह पे। हमारी शाबाश गई। हाँ राम मती लिखो दो, दो नंबर। चाची खाद का कट्टा है और ये फावड़ा है। हाँ। ये खाद है, अरे उसी की इंतजार कर रहे हैं। अब तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गया। आज जब इतना जरूरी काम पड़ा आज ही गायब हो गया। ऐसा कौन सा काम आन पड़ा भैया? जब पर्चा दिया थे गांव के पनवाड़ी ने, कहिया जो संदेश है तुम्हारे गाँव के लिए। अच्छा, क्या लिखा है इसमें? मैं पढ़ लेता तो चंद प्रकार की जरूरत काय को पड़ती। अरे ला मुझे दिखा। ले थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ लिख लू। जे देख, जे लिखा है क, और जे लिखा है माँ, और ये है आका डंडा माँ कमा। हाँ। और ये है ल कमाल, आगे है पा। जे हो गया कमालपुर, जे तो मैंने रास्ते में पढ़ लिया था।
इन्हें रास्ते में पढ़ लिया था। अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा समझे, ज्यादा पढ़ा लिखा समझे तो ले आगे पढ़ के दिखा। पढ़ ले, पढ़ जे आगे लिखा है मैं, और मैं के ऊपर, मैं के ऊपर पता नहीं ला। रास्ते में पढ़ लिया था। अब ये लैन है और ये बिंदी, ये मात्रा है मात्रा, और आगे लिखा है द। हाँ। और ग, और ये ल। हाँ। अच्छा, देख के ऊपर बिंदी भी तो है। हाँ, ये बिंदी भी भैया। ये क्या बात हुई भैया? कमालपुर में दगल 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 क्या, ये दगल क्या चीज हुई? दगल दंगल कमालपुर में दगल। कमालपुर में देख चंदर, आज हमने ये संदेशा पढ़ लिया, कमालपुर में दंगल। पर्चा दिखाइयो, और जे जे लिखे हैं पहलवानों का नाम जे। देखा पढ़ने में कितने आनंद छिपे हैं, है ना? है तो भाई। ये है हमारा नया पाठ, एक अकेली औरत। इस पाठ में चार नई जानकारियां हैं, ए अ औ और सवालिया निशान। ये जो आ आया है, ये आ ई वाला आ है? हाँ। ये लो, जिससे सब शुरू करे वो अब आया है इतने देर बाद। अरे तो क्या हो गया, तरीका ही ऐसा है? चाची ये तरीका बहुत अच्छा है सीखने का, कुछ लोग क्या करते हैं ये तरीका तो समझ नहीं पाते और प्राइमर ए को रख देते हैं और उठा लेते हैं आ ई ई वाली किताब, रटो पूरी वर्णमाला और फिर सारा ककहरा मात्राओं का, कका किकी कुकू के कई कोकऊ कंका। अरे जी क्या कर रही है, कका कुकू किकी। चाची ये भी तरीका है मात्राएं सीखने का, पर हमारे पाठों में जो जो मात्राएं आ रही हैं हम सीखते जा रहे हैं। क्यों री जमीला, कितनी मात्राएं सीख ली अब तक? बड़े आ की, छोटी ई की, बड़ी ई की। हाँ। अरे छोटी ए की और बड़ी एक की। ए की और आई की मात्राएं, ए की मात्रा में एक सींग और आई की मात्रा में दो सींग। आज हम सिखाएंगे औ की मात्रा। कौन सी मात्रा? औ की मात्रा। पर औ की मात्रा सिखाने से पहले अ बनाना सीखना है। क्या बनाना सीखना है? अ बनाना। शाबाश। तो लो अब हम बना रहे हैं अ। एक था रामवती का चूल्हा, दूसरा उसकी सास का। एलो, एलो। हल्दी चढ़ी ना हाथ पीले हुए, उसकी सास का चूल्हा कहाँ से आ गया? मान लेने में क्या हरज है? ठीक है, अब बीच में थी दीवार, और दीवार किसी को ना दिखे तो आगे था दरवाजा बंद। अच्छा। और ऊपर थी छत। तो ये क्या बन गया? अरे ये तो अच्छा तरीका बनाने का। हाँ, अब अ में आ का डंडा लगा दे तो बन गया आ, और आई की मात्राएं लगा दे दो सींग वाली ऐसे तो बन गया औ से औरत। हाँ। तो देखो औ से औरत ये लिखा है, एक अकेली औरत। तुम तो सब जानती हो कि एक अकेली औरत घर में कितना काम काज करती है। अरे बहुत काम करने पड़ जाता है, सुबह से रात तक काम करती है। अकेली एक औरत, अकेली एक औरत, पढ़ाई सब औरतों को अगर बन जाए उनकी, सदा इनको सताया
कि नहीं जादू? सचमुच ये सवैया तो जादू का है। एक साथ सारे अक्षर, सारी मात्राएं, इससे तो पढ़ना लिखना बहुत आसान हो जाएगा। देख लो, लेकिन पहली शर्त है इसका याद होना। रस खान का कोई सवैया याद है किसी को? हाँ मुझे याद है, सुनाओ। मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। ठीक है ठीक है। अच्छा कोई नया सवैया कितनी बार गाने से याद हो जाएगा? जी 5-6 वाली में तो हो जाएगा जी। चलो हम उसे 20 बार गा लेंगे और मिलके गाएंगे, तब तो पक्का याद हो जाएगा ना। हाँ जी हाँ जी। चंद्र प्रकाश, एक बात नहीं समझ में आई, ये सवैया याद करने की ऐसी जरूरत क्या है? ये सवैया जादू का सवैया है भैया। जादू का? हाँ। अच्छा चलो तुमको पहले इसकी कहानी बता देता हूँ। हाँ बताओ। एक घर के 6 लोग थे निरक्षर। अच्छा। ऐसे ही पड़े रहते थे, ठलुआ। ठलुआ मतलब बेकार पड़े रहते थे, खाली पड़े रहते। खाली पड़े। 6 दिख रहे ना चित्र में? ये उदल है, ये ओमी है, और ये है इंदल। इसको सब लोग प्यार से चौबे कहते हैं। मुझे वाले को? हाँ। और ये है धनभूषण, है ना? और ये है वंशी की बुआ। वंशी की बुआ। 6 के 6 अनपढ़। अच्छा जी। हाँ। अब पत्र कैसे पढ़े? चिट्ठी लिखनी हो तो कैसे लिखे? तब अंत में इन्होंने एक उपाय किया। क्या उपाय किया? उन्होंने ये जादू वाली कविता रट ली। अच्छा फिर? फिर क्या, उन्हें अक्षर ज्ञान हो गया। तो ये सवैया तो हमें भी सिखाओ। घर के 6 लोग निरक्षर थे, ऐसे ही पड़े रहते ठलुआ। उदल ओमी इंदल चौबे, धन भूषण अवंशी की बुआ। फिर कैसे पढ़े पत्र कैसे लिखे, तब अंत में एक उपाय किया। जादू की तरह यह है कविता आई। जादू की तरह यह आई। रटली झट अक्षर ज्ञान हुआ। रटली झट अक्षर ज्ञान हुआ।